हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप जब भी नर्सरी जाते हो तो गुलाब का पौधा बहुत पसंद से खरीद कर अपने घर पर लाते हो, लेकिन वो गुलाब का पौधा आपका सूख जाता है या फिर गल जाता है और दोस्तों उसमें एक भी फ्लावर भी नहीं खिलता है, तो आप लोग दोस्तों बहुत ही दुखी रहते हैं। इतने पसंद से मैंने गुलाब लाया था और उसमें फूल भी नहीं दे रहा है तो मन थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी उदास मत होइए। आज गुलाब का एक ऐसा फर्टिलाइजर आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका गुलाब कलियों से भर जाएगा और फूल ही फूल उसमें खिलेंगे। और वो फर्टिलाइजर दोस्तों नर्सरी का सबसे पावरफुल फर्टिलाइजर है। हम लोग दोस्तों उस फर्टिलाइजर को अपने गुलाब में डालते ही रहते हैं और बहुत सारे फ्लावर भी खिलाते हैं। आप एक बार अपने गुलाब में डालकर देखिए और आप मुझे खुद कमेंट करके कहेंगे, दीदी क्या अच्छा आपने खाद बताया है, हमारा फ्लावर बहुत ही ज्यादा खिल रहा है। दोस्तों, उस फर्टिलाइजर का यूज नर्सरी में हम लोग करते ही रहते हैं और टाइम टाइम से डालते ही रहते हैं, इसीलिए नर्सरी में गुलाब में सबसे ज्यादा फ्लावर आते हैं। दोस्तों, आप एक बार यूज करके देखिए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा और शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको ऐसा एक फर्टिलाइजर बताने जा रही हूँ जो आप अपने घर में आसानी से बना सकते हो और अपने गुलाब में डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको एक ऐसा बड़ा बाल्टी ले लेना है और लेने के बाद दोस्तों आपको ये देखिए दोस्तों, ये गौमूत्र है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा और अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत आसानी से दोस्तों मिल जाता है। तो इसका हम आज फर्टिलाइजर बनाएंगे। दोस्तों, आपको इसे ले लेना है आधा बाल्टी के हिसाब से। इस गौमूत्र को दोस्तों आपको बाल्टी में डाल देना है। गौमूत्र दोस्तों सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है और इसमें बहुत सारे कैल्शियम और नाइट्रोजन होता है जो पौधे को फूल खिलाने में मदद करता है। और दोस्तों, जो पौधे की जड़ रहता है वो मजबूत होता है और तेजी से हमारा पौधा बढ़ता है, इसलिए दोस्तों इसका फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और ये एकदम फ्री में आपको मिल भी जाता है। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, ये हमारा मस्टर्ड केक है। आपको मस्टर्ड केक ले लेना है दोस्तों, जो आपका एकदम पुराना वाला रहेगा, खाद की दुकान में मिल जाता है, आपको ले लेना है। और दोस्तों, मस्टर्ड केक को इसमें आपको मिला देना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है दोस्तों। अगर आपका आधा बाल्टी है तो आपको आधा केजी के हिसाब से मस्टर्ड केक इसमें मिला देना है। और मिलाने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये DAP है, इसे ग्रूमर भी बोलते हैं दोस्तों, और ये खाद की दुकान में मिल जाता है। बहुत से कस्टमर मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि ग्रूमर किसे बोलते हैं, हमारे यहाँ रायपुर में इसे ग्रूमर बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसे DAP के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आपको एक पाव के हिसाब से दोस्तों इसमें मिला देना है, इसको ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, कम ही मिलाते हैं, तो इसको मिला देना है। और दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये जो ग्रूमर होता है दोस्तों, ये फूल खिलने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और जितने भी नई ब्रांच आती है इसी की वजह से आती है और कलियां भी बहुत सारी आती हैं ये ग्रूमर डालने से। ये देखिए दोस्तों, ये आपका नीम की खली है, नीम की खली दोस्तों मिला देना है, क्योंकि नीम की खली का काम है दोस्तों आपके पौधे में जितने भी फंगस कीटनाशक लग जाते हैं उनको आप पौधे में आने नहीं देते, जितनी चींटियां भी रहती हैं वो भी इससे मर जाती हैं। तो दोस्तों, ये आपको बाल्टी में डाल लेना है और अच्छे से मिलाना है। दोस्तों, इसको आपको दिन में 2 से 4 बार आपको हिलाते रहना है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने डाल दिया और डाल के छोड़ दिया।
दोस्तों डालने के बाद आपको इसको अच्छे से चारों तरफ से ढक देना है ताकि इसका जो गैस निकलेगा वो पानी में ही रहेगा और पौधे में काम करेगा। इसलिए दोस्तों हिलाना भी ज़रूरी है और ढकना भी ज़रूरी है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आपको एक हफ्ते तक रखना है। जब एक हफ्ता हो जाएगा दोस्तों तो ये फर्टिलाइज़र एकदम घुल मिल जाएगा, अच्छे से इसमें मिल जाएगा और सड़ने लग जाएगा, तब जाके हम पौधे में डालेंगे तो ये सबसे अच्छा काम करेगा गुलाब को खिलाने के लिए और उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। और दोस्तों इसका यूज़ आपको हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक बार ही गुलाब में करना रहता है। रोज़ रोज़ इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों नहीं डालना है और दोस्तों इसको ज़्यादा दिन तक स्टॉक करके भी हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने से दोस्तों इसमें महक आने लग जाता है। इसलिए दोस्तों इसको हमें जल्दी से डालकर ख़त्म कर देना चाहिए। ये नर्सरी का सबसे पावरफुल खाद है, इसे अपने घर पर तैयार कीजिए और अपने जितने भी गुलाब वाले पौधे हैं उसमें डालिए। आप देखेंगे कि आपका जो गुलाब है उसमें बहुत सारी कलियां भी आएंगी और बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। अब दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा नहीं डालना है आपको। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों जो दाल वाली कड़छी रहती है उसी के हिसाब से डालना है, क्योंकि जब ज़्यादा डालेंगे दोस्तों तो हमारा पौधा जलने भी लगता है। इसलिए इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। जो छोटा कटोरा टाइप रहता है दोस्तों उसी में आपको आधा कटोरा छोटे पौधे में और बड़े पौधे में एक कटोरा डालना है, और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और डालने के बाद दोस्तों हल्का हल्का पानी का स्प्रे कर देंगे पौधे में, ताकि दोस्तों जो पौधे का पत्ता है वो भी जलेगा नहीं और आपका खाद भी अच्छे से काम करेगा। अगर दोस्तों आपको गुलाब बड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए तो इसी फर्टिलाइज़र को लगातार अपने गुलाब में डालेंगे तो आपका गुलाब भी बड़े बड़े साइज़ का खिलेगा। और दोस्तों फर्टिलाइज़र डालने के तुरंत बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि दोस्तों फर्टिलाइज़र जब डालते हैं तो पानी का हल्का हल्का स्प्रे करना रहता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम पानी उसी समय डाल देंगे तो जो हमारा फर्टिलाइज़र रहता है वो पानी के साथ ही दह जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलाइज़र डालते समय आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, इससे हमारा जो गुलाब रहता है वो अच्छे से ग्रो करेगा और पौधा भी घना होगा और मजबूत होगा। हम लोग नर्सरी में दोस्तों यही फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, जिससे हमारे गुलाब गर्मी में ठंडी में कभी भी खिलते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों गुलाब एक ऐसा पौधा है जो बिना खाद के खिल ही नहीं सकता। गुलाब को खिलने के लिए दोस्तों खाद बहुत ही ज़रूरी रहता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कि दोस्तों गुलाब बिना खाद के खिल ही नहीं सकता। आप लोग इसी फर्टिलाइज़र को डालिएगा तो आपका गुलाब हमेशा खिलता रहेगा। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ दोस्तों आप सभी गुलाब में कर सकते हो, चाहे वो देसी गुलाब हो चाहे वो हाइब्रिड गुलाब हो, आपको इसका रिज़ल्ट 100% देखने को मिलेगा। आप एक बार अपने गुलाब में डालकर तो देखिए। हम लोग यही फर्टिलाइज़र अपने गुलाब में डालते रहते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और दोस्तों आप किसी भी खाद दवाई के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए तरीके के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।